पिछली वीडियो में हम गए थे मटेला गांव जो कि कोसी में स्थित है। जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा जाके चेक कीजिए। और इस ब्लॉग में हम जाएंगे सूर्य मंदिर कटारमल, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम हैं अभी कोसी मार्केट में, तो आपको दिख रहा होगा बाजार थोड़ी थोड़ी खुल गई है, थोड़ी कैर पूरी खुल गई है। कोसी आपको पता ही होगा एक नदी है, उसके नाम पर ही एक जगह का नाम पड़ा है कोसी। यहीं से एक दो किलोमीटर आगे है कटारमल सूर्य मंदिर, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। आज हमारे साथ ब्लॉग में हमारा बेटा भी है जय मेहरा। तो यहाँ से देखिए रानीखेत 33 किलोमीटर, और ये कौसानी वाली रोड है। ये जो इधर को गई जहाँ बाइक गई है, हाँ, ये कौसानी की तरफ, ये कौसानी बागेश्वर जा रही है, और इस रास्ते से हम जाएंगे कटारमल और यहीं से आगे रानीखेत। कौसानी तो आपको पता ही होगा, मिनी स्विट्जरलैंड। वहाँ का ब्लॉग भी हमने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। हमने टोटली वैसे बहुत यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी अल्मोड़ा की। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से जो लेफ्ट साइड पे रोड कट रही है, ये है सूर्य मंदिर का रास्ता। तो दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ है भी है और साइन बोर्ड भी बना हुआ है। तो हम ऊपर को चल चुके हैं, 3 किलोमीटर है यहाँ से सूर्य मंदिर। पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, अभी जहाँ हम गए थे सुमित लोगों के यहाँ वो बता रहे थे कि पहले पैदल रास्ता था, अब तो बिल्कुल मंदिर तक रोड बन गई है। रोड ये कटारमल सूर्य मंदिर कटारमल नीचे लगा है। ओ ओ गलत रास्ता, हमें रिवर्स गियर लेना पड़ेगा, हमें उस रोड में जाना था, हम चले गए इस रोड में। तो हमने थोड़ा सा रॉन्ग ले लिया था वे, अब हम राइट वे आ चुके हैं। तो आगे ब्लॉगिंग जय करेंगे, जय बताओ। तो ये हम आ चुके हैं, अब यहाँ से एक मोड़ आ चुका है, एक पहाड़ों में तो हर जगह मोड़ होते हैं। मैं कैमरा छोड़ आया, ऐसा मत करना यार। तो हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। सबसे मेन मजा मुझे आज इसलिए आ रहा है कि मेरे बेटे को आज वॉमिटिंग नहीं हुई, क्योंकि इसको मैंने गोली खिला दी थी, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी एंजॉय कर रहा है। देखती हूँ मैं, पढ़ के आपको बताऊंगी क्या है। कैफे लग रहा है मुझे तो। हाँ कैफे है ये, कैफे हाउस है। देखिए यहाँ पे एक कैफे हाउस बना हुआ है। तो देखिए ये है कैफे, जो कि रोड से 2.5 किलोमीटर के बाद आपको कैफे मिलेगा, आजकल शायद बंद है। और यहाँ से 0.5 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से कैफे के बगल से ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर के लिए। यहाँ से लगभग ये होगा 1 किलोमीटर ना। हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल है, और लेकिन शॉर्टकट भी है, जो हम अभी आगे जा रहे हैं वहाँ से 500 मीटर भी नहीं है। हाँ वहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, तो वहीं चलते हैं। जहाँ से हम ऊपर को मुड़े वहाँ से 2.5 किलोमीटर पे वो कैफे है, वहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर पे है, और वहाँ से है मंदिर में जाने का रास्ता, जो कि वहाँ से पूरा पैदल है, ऐसे करके ऐसे होते हुए पूरा वहाँ पे आपको मंदिर पे ले जाएगा। लेकिन हम गाड़ी से आगे हैं इतने ऊपर, तो यहाँ से एक ये शॉर्ट रास्ता है सीधे मंदिर में जाने के लिए। तो अगर आप वहाँ पे कैफे से आ रहे हैं तो वहाँ से पैदल रास्ता है, और अगर आप कैफे से नहीं आ रहे हैं सीधे यहाँ तक आ रहे हैं, ये लास्ट में यहाँ पे घर आ जाते हैं। ये कटारमल गांव है, पर वो दिख रहा है मंदिर, तो हम अपने देसी रास्ते से जा रहे हैं यहाँ से। अब बस पहुँचने वाले हैं मंदिर, तो बस अब हम पहुँच चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर पे। ये सूर्य मंदिर कटारमल का मैप है, और ये कुछ इसके बारे में इंग्लिश में, और यहाँ दिया गया है हिंदी में, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये है सूर्य मंदिर कटारमल, इसका निर्माण 9वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था, और ये राजा कटारमल द्वारा बनाया गया था। और जो ये मुख्य मंदिर है, कहते हैं कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाया गया, और यहाँ पे अक्टूबर और फरवरी के महीने में जो सूर्य की किरण है, पहली किरण सीधे इस मंदिर के अंदर सूर्य देवता विराजमान है उनकी मूर्ति पे पड़ती है।
ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ पे इस मुख्य मंदिर के अलावा 45 छोटे बड़े और मंदिर हैं। तो ये है मुख्य मंदिर। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। अंदर नहीं है? अरे यार, तो अभी मैंने अंदर सूर्यदेव के दर्शन करे। अंदर सूर्यदेव की एक मूर्ति है और भगवान शिव की और देवी देवताओं की भी बहुत सारी मूर्तियां अंदर। यहाँ तक कि इसकी झाप है, लेकिन इसमें सूर्य की रोशनी आती है। इस होल से आती है सूर्य देवता की रोशनी। अक्टूबर और फरवरी के महीने में सीधे अंदर सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती है, जैसे ही पंडित जी ने बताया है और लिखा भी गया है बहुत जगह। जय सूर्य देवाय नमः। जय। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, वॉमिटिंग भी नहीं हुई। हाँ, तो आप बताइए कहाँ हैं आप? सूर्य मंदिर। हाँ, और यहाँ क्या होता है? सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे धूप पड़ती है। अच्छा, और ये मंदिर का बैक पोर्शन है। और ये मंदिर का है लेफ्ट पोर्शन। यहाँ पे बैठने के लिए भी बेंच बना रखी है। और ये है सूर्य मंदिर कटारमल। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। सूर्यदेव मंदिर के हमने दर्शन करे, आप लोगों को भी कराए, और हमारे बेटे ने भी बहुत सेल्फी ली, हमने भी बहुत सारी फोटोज खिंचाई, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर था। आप लोगों ने देखा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टन टन वाई जे ब्लॉग्स यो।